हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में इकोनॉमिक्स में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो फोर्थ चैप्टर था बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी वो हमने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 5 पुअर्टी जो कहते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब यहाँ पे पुअर्टी का मीनिंग क्या होता है कि एक सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे कुछ क्लास जो है, जो हमारे यहाँ पे लोग जो है, कुछ पीपल्स ऐसे हैं कि जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, बेसिक नीड्स जो हैं, जैसे हम रोटी कपड़ा और मकान, जो हमारी बेसिक नीड्स है वो भी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पुअर्टी, दैट मीन्स गरीबी। अगर हम बोलने जाए तो पुअर्टी का हिंदी वर्ड अगर हम ट्रांसलेशन देखने जाए दैट मीन्स गरीबी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पुअर्टी इज़ अ सच अ सिचुएशन एग्जिस्टिंग इन अ इकोनॉमी अंडर विच वन क्लास ऑफ इकोनॉमी इज अनेबल टू फुलफिल द मिनिमम बेसिक नीड्स। अब यहाँ पे कुछ जो पुअर्टी वो इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे कुछ क्लास के लोग ऐसे हैं कि जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसे भी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमिक्स वेयर द पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो एंड देयर इज एग्जिस्ट हाई लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी अ लार्ज पोर्शन ऑफ पुअर पॉपुलेशन कैन नॉट एन्जॉय अ हेल्दी लाइफ बिकॉज ऑफ अनअवेबिलिटी ऑफ मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट सच एज न्यूट्रिटिव फूड्स क्लोथ्स एंड प्रॉपर हाउसिंग। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है कि उनकी पर कैपिटा इनकम मतलब कि पर पर्सन इनकम भी कम होती है, ऑल्सो यहाँ पे इनकम इनइक्वलिटी मतलब कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि जो पॉपुलेशन का जो लार्ज पार्ट है वो क्या होता है पुअर्टी के अंदर आ जाता है और वो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे कि रोटी प्रॉपर फूड एंड मकान जो हम बोलते हैं वो यहाँ पे वो लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड्स रिच एंड रिसोर्सफुल क्लासेस एंजॉयज हाई इनकम एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब यहाँ पे एक साइड ऐसा होता है कि जो कुछ पीपल्स है कि जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, और अदर हैंड की जो अदर पीपल्स ऐसे होते हैं कि जो रिच पीपल्स हैं उनके पास अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, अच्छे क्लासेस की इनकम होती है, वो अच्छा स्टैंडर्ड का जो लाइफस्टाइल है वो एंजॉय करते हैं। ड्यू टू एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द कंट्री द सोसाइटी फेसेस डिससेटिस्फेक्शन रेस्टलेसनेस हेटेड एंड क्लास कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे इसके कारण क्या होता है कि एक दूसरे के ये इस तरह की इनइक्वालिटी के कारण जो डिससेटिस्फेक्शन होना, टेंशन आ जाना, एक दूसरे जो क्लास जो है दोनों क्लासेस के बीच में जो है वो थोड़ी हेटेड मतलब कि हीन भावना की फीलिंग आना, ये सारी चीज़ें जो है वो पुअर्टी के कारण आ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू HDR 1997 इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ रिसोर्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ गोल। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है HDR जो है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे लिए रिसोर्सेस है एंड जो इकोनॉमिक ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमारा टारगेट है, मतलब कि हम हमारी कंट्री के फाइनेंशियली डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों के लाइफ स्टाइल में भी सुधार लाना चाहते हैं। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड रिजल्ट इन अ रिडक्शन इन पुअर्टी अनलेस देयर इज अ रिडक्शन इन इनकम इक्वालिटी एंड पुअर्टी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेड द डेवलपमेंट और इन द ट्रू सेंस। अब यहाँ पे अगर लोगों की लाइफ स्टाइल में हमारी इनकम इनइक्वालिटी में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, मतलब इनकम इनइक्वालिटी अगर कम नहीं हो जाती और पुअर्टी कम नहीं होती है, दैट मीन्स कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो सही सेंस में डेवलप नहीं हुआ। पुअर्टी एट्रैक्शन वॉज वन ऑफ द मेन गोल ऑफ द सेम सम ऑफ 5 years इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्पेशली इन द 5th year प्लान एंड द फॉलोइंग प्लान्स पुअर्टी एट्रैक्शन एंड अलेविएशन स्पेशल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स आर स्टार्टेड बट पुअर्टी कैन नॉट बी रिड्यूस टू द टारगेटेड लेवल। अब यहाँ पे हमने पुअर्टी एड्रिक्शन मतलब कि पुअर्टी को हमेशा के लिए नाबूद करने के लिए अलग अलग 5th year प्लान में कुछ ना कुछ स्कीम्स बनाई जाती है, बट वो स्कीम्स में भी इतना ज़्यादा सक्सेस जो है वो हमें नहीं मिला है। अब हम यहाँ पे ये तो हमने देखा कि पुअर्टी के लिए क्या क्या किया जाता है और किस तरह से सक्सेस हमें यहाँ पे मिलती है वो। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि पुअर्टी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ पुअर्टी। अ सिचुएशन वेयर अ मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट इवन सेटिस्फाई द मिनिमम रिक्वायरमेंट एज सेड टू बी पुअर इफ अ लार्जर पॉपुलेशन इज गिवन बिलो दिस मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देयर एग्जिस्ट अ वाइड स्प्रेड पुअर्टी। अब यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे पॉपुलेशन का मेजर पार्ट जो है वो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है रोटी कपड़ा और मकान, दैट मीन्स फूड
क्लोथ्स एंड प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज अगर उन्हें नहीं मिल पाती हो तो डैट इज़ कॉल्ड अ पॉवर्टी। और अगर हमारी जो कंट्री है उसका लार्जर पार्ट जो है वो इस तरह की स्टैंडर्ड्स में अगर देता है, बिलो स्टैंडर्ड्स में, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। मेनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव ट्राइड टू इंटरप्ट पॉवर्टी इन देयर वे, बट पॉवर्टी बीइंग अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट मीन्स चेंज विद द चेंज इन अ टाइम प्लेस एंड सोसाइटी। अब बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उन्होंने ट्राई किए हैं कि ये पॉवर्टी जो है वो कम कर सके, बट ये जो पॉवर्टी है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग जो उसमें चेंजेस आते रहते हैं। इन द मोस्ट ऑफ द इंटरप्शन ऑफ पॉवर्टी, एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंसिडर्ड एज बेस एंड एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी इन सोसाइटी आर शोन, मीन्स देयर इज एग्जिस्टिंग डिफरेंस इन द लेवल ऑफ पॉवर्टी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी है और उसके ऊपर से अभी यहाँ पे कितने इनइक्वलिटी इनकम में है, वो सारी चीज़ों को हम एवरेज निकालते हैं और उसके ऊपर से तुम दोनों का डिफरेंस निकाल के हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट पॉवर्टी की सिचुएशन क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी कैन बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और नॉन इनकम पॉवर्टी। यहाँ पे दो टाइप की हमने जो पॉवर्टी उसे क्लासिफाइड किया, फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मीनिंग एंड सेकेंड इज मॉडर्न मीनिंग। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इनकम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, अ सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सस्टेन मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। यहाँ पे मैंने ये पॉवर्टी लाइन की मीनिंग में अंडरलाइन किया है, आपको भी अंडरलाइन करना है, इम्पोर्टेंट है ये कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो पर कैपिटा कंज्यूमेशन, मतलब कि कितना हम यूज़ करते हैं, कितना हम एक्सपेंस करते हैं, उसको हम एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करते हैं और फॉर द बेसिक नीड्स कि हम हमारी जो बेसिक नीड्स उसे रिक्वायर्ड उसे सेटिस्फाइड करने के लिए मिनिमम कितना हम कंज्यूम कर सकते हैं, वो जो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है दैट इज कॉल्ड अ पॉवर्टी लाइन। अ पीपल हु हैव लेस देन रिक्वायर्ड इनकम और स्पेंड लेस देन रिक्वायर्ड मिनिमम एक्सपेंडिचर आर सेड टू बी पुअर। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्शन पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ स्कैर्सिटी। अब यहाँ पे जो लोग इस स्टैंडर्ड से कम उनके पास अगर इनकम हो या वो मिनिमम हमने स्टैंडर्ड सेट किया है वो सेट स्टैंडर्ड भी वो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो सकते हो तो दैट दे आर कॉल्ड अ पुअर पीपल्स, दैट सो दैट वी विल सेट दैट द पुअर्टी इज़ अ स्टेट ऑफ स्कैर्सिटी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी के कारण क्या होता है, पॉवर्टी किस तरह से आती है कि जो हमारी ज़रूरतों जो है उसे हम फुलफिल नहीं कर पाते तब क्या होता है कि पॉवर्टी जैसी सिचुएशन जो है वो आती है। इन इंडिया पॉवर्टी लाइन इज डिफाइंड इन अ रेफरेंस टू कंज्यूमिंग मेंटेन रिक्वायर्ड कैलोरी और मिनिमम कंज्यूमेशन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू मिनिमम कैलोरी। अब यहाँ पे इंडिया में हम क्या करते हैं, पॉवर्टी लाइन किस तरह से डिफाइन की गई है कि हम मिनिमम रिक्वायर्ड कैलोरीज कितनी लेते हैं और उस कैलोरीज को लेने के लिए, मतलब कि हम जो खाना खाते हैं उसके लिए जो कैलोरीज लेने के लिए हम मिनिमम कैलोरीज लेने के लिए हम कितना खर्चा करते हैं वो। बट द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज दैट द ओनली शोज द सिचुएशन ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स और स्टार्वेशन। पॉवर्टी इज नॉट ओनली अ सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड की एक लिमिटेशन क्या आ जाती है कि हम खाली यहाँ पे हमें जो भूख लगती है उसी की सिचुएशन बताते हैं, बट पॉवर्टी इज नॉट अ सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन, मतलब कि खाली हमें भूख लगती है उसकी सिचुएशन, बट ऑल ओवर जो हमारी मिनिमम स्टैंडर्ड है उसे हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड अ पॉवर्टी। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपार्ट फ्रॉम फूड अदर नेसेसिटीज सच एज क्लोथिंग हाउसिंग एजुकेशन हेल्थ क्लीनिंगनेस प्योर ड्रिंकिंग वाटर आर ऑल्सो इंक्लूडेड एंड देन द नॉन इनकम पॉवर्टी हैज बिकम अ पॉपुलर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। अब यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया कि अगर हमें मेन कॉन्सेप्ट जो है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर कॉन्सेप्ट में फूड के अलावा भी हमें कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, क्लोथिंग है, हाउसिंग है, एजुकेशन है, क्लीनिंगनेस है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें एज अ स्टैंडर्ड रखनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी की कैसी सिचुएशन है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इनकम पॉवर्टी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ पॉवर्टी बट इट्स रिफ्लेक्ट अ सिंगल aspects of human life. Freedom of choice in occupation which is available to rich is never available to poor. अब यहाँ पे income poverty की कोई भी person के लिए सबसे important factor क्या होता है कि उसकी income। अब यहाँ पे सबसे जो poverty का सबसे एक main जो concept है वो क्या आ जाता है कि reason क्या आ जाता है कि income poverty। अब हमें हमारी field के according हमारी जो choice के according
अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन पसंद करने का जो है वो रिच पीपल्स को अवेलेबिलिटी होती है, बट जो पुअर पीपल्स है उन्हें मजबूरी में वही काम करना पड़ता है कि जिससे उनकी जो जरूरत है वो सेटिस्फाइड हो सके। इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू गेट अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ पुअर्टी, इनकम शुड नॉट बी अ सोल मेजरिंग रूल फॉर डेप्रिवेशन बट अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज नॉलेज, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड अवेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड लाइफ विद चॉइस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी कंसिडर। अब यहाँ पे इसके ऊपर से अगर हमें कंसिडर करना हो तो खाली इनकम ही नहीं बट उनकी एलिमेंट्स और ह्यूमन डेवलपमेंट की, उनकी नॉलेज कितनी है, उनकी लाइफ स्टाइल लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है कि नहीं है, गुड स्टैंडर्ड्स जो है वो उनका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो मेनटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब कि उन्हें जो भी चीज़ की जरूरत है कि वो फ्रीली वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलती हैं कि नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें भी हैं वो पुअर्टी में जो एक स्टैंडर्ड है वो उसमें हमें यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। UNDP while preparing a development report through HDI and HPI included three important parameters namely knowledge, health and standard of living. अब UNDP ने जब report present किया with the help of HDI and मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स से उन्होंने जब report present किया तो उन्होंने तीन important parameters यहाँ पर नॉलेज, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उन्होंने इंक्लूड किया है, अंडर विच नॉलेज इज इक्वल टू लिटरेसी रेट एंड एनरोलमेंट rate for healthy life expectancy and for standard of living and per capita to total housing production is considered. अब यहाँ पे knowledge के लिए literacy rate कितना, enrollment rate ratio मतलब कि उन्होंने कितनी schools जो है वो change की हैं, और life expectancy के standard of living के लिए हम कितनी life जी रहे हैं वो, and जो है वो per capita income के लिए जो है housing production के लिए हमने यहाँ per capita total house कितने हैं वो यहाँ पे ध्यान में लिए गए, कि health के लिए हमने लिया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्टैंड ऑफ लिविंग के लिए हमने लिया है यहाँ पर कैपिटल टोटल हाउस प्रोडक्शन की। इस तरह से यहाँ पे तीनों स्टैंडर्ड्स नॉलेज दैट मीन्स लिटरेसी रेट, हेल्थ फैसिलिटी जो हेल्थ है उसके लिए हमने यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए पर कैपिटल टोटल हाउस प्रोडक्शन कितना है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने ध्यान में रखी। उसी के बाद हमने सिचुएशन जो है वो जो कंक्लूड किया कि हमारे यहाँ पे कंट्री में पुअर्टी की कैसे सिचुएशन है उसके बारे में। सो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि पुअर्टी किसे कहते हैं, उसके मीनिंग क्या है, और जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स की जो पुअर्टी लाइन किसे कहते हैं वो हमने यहाँ पे देखी। सो उसके ऊपर से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वन सेंटेंस ही हैं, वो आपको आपकी नोटबुक में एज अ होम असाइनमेंट लिखने हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चंस में। हम इन द नेक्स्ट वीडियो नेचर ऑफ पुअर्टी किसे कहते हैं, मतलब कि पुअर्टी के टाइप्स क्या हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू।